नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र, देखिए खबरें तेज रफ्तार से। कर्नाटक में किसानों को जमीन को वक्फ बोर्ड को संपत्ति बताए जाने के मामले पर राज्य में सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। दरअसल इन किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था, जिसे लेकर कर्नाटक में राजनीतिक विवाद गहरा गया है। किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने हुबली में वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल से मुलाकात की और कांग्रेस सरकार की मिलीभगत से किसानों की जमीन वक्फ बोर्ड को दिए जाने के आरोप लगाए। किसानों से मुलाकात के बाद जगदम्बिका पाल ने कहा कि किसानों का कहना है कि वे लगभग 70 वर्षों से यहां रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वक्फ बोर्ड उनकी जमीन पर स्वामित्व का दावा कर रहा है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि यह सत्ता के दुरुपयोग का मामला है, जहां किसानों की जमीन को वक्फ संपत्ति में बदल दिया गया। इस बीच प्रभावित किसानों ने बेंगलुरु में देवनहल्ली जिले के प्रभारी मंत्री के.एच. मुनियप्पा के आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया। जगदम्बिका पाल की किसानों के साथ बैठक को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने राजनीतिक स्टंट करार दिया। उन्होंने प्रदेश की भूमि से जुड़ा यह विषय राज्य का है, ना कि जेपीसी का। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का शीतकालीन सत्र में चौथे दिन भी कार्यवाही हंगामे भरी रही। दरअसल अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आपस में भिड़ गए। लोकसभा सांसद इंजीनियर रशीद के भाई और लंगेट से विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 का बैनर दिखाया। बैनर दिखाए जाने पर बीजेपी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने विरोध किया। बैनर दिखाए जाने का मामला इतना गर्मा गया कि हाथापाई तक की नौबत आ गई और दोनों गुटों में हाथापाई भी हो गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामे के बाद स्पीकर ने 15 मिनट के लिए सत्र की कार्यवाही स्थगित कर दी। हालांकि बाद में पूरे दिन के लिए कार्यवाही स्थगित हो गई। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने इंडी गठबंधन जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान का गला घोटने की हिमाकत करने का आरोप लगाया है। भाजपा नेता रविंदर रैना ने अनुच्छेद 370 के प्रस्ताव को विधानसभा में लाने को गैर कानूनी और असंवैधानिक बताया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि भारत जोड़ों का नारा देने वाले आज भारत तोड़ों की राजनीति कर रहे हैं और ऐसे दल का समर्थन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे पर विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार भारत की मजबूती के लिए काम कर रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बुधवार को विशेष दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव को हंगामे के बीच बिना किसी बहस के विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठर ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी सांसद राहुल गांधी एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। दरअसल राहुल गांधी ने आजादी के पहले देश में रह रहे रियासतों, राजा महाराजाओं और नवाबों को कटघरे में खड़ा किया है। विवादित लेख के बाद रियासतों के वंशजों सहित सत्ताधारी दल भाजपा ने भी राहुल गांधी पर करारा हमला बोला। राहुल गांधी के इस आलेख पर देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले राजवंशों से जुड़े लोगों ने राहुल गांधी के बयान की कड़ी भर्त्सना की है। वीर सावरकर पुस्तक के लेखक, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त और मराठा सेनापति सरदार भीखाजीराव माहुरकर के वंशज उदय माहुरकर ने भारतीय महाराजाओं के लिए अपमान करने के लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा और राहुल गांधी के इस बयान को बचकाना कहा। उदय माहुरकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, राहुल गांधी के अपने नवीनतम लेख में पूर्व महाराजाओं की आलोचना नए भारत के निर्माण में पूर्व शासकों की भूमिका के बारे में उनकी बचकानी समझ को दर्शाती है।
उदय माहुरकर ने लिखा कि राहुल गांधी, जिनका परिवार कई दशकों तक भारत पर शासन करने के बाद भी सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें भारत के पूर्व राजघरानों पर निशाना साधने का कोई अधिकार नहीं। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने भी राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताते हुए तथ्य को जांचने के बाद ही निष्कर्ष पर पहुंचने की सलाह दी है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के मीडिया लेख की कड़ी निंदा की है। दिया कुमारी ने कहा कि राहुल गांधी को इतिहास की जानकारी नहीं है, वे जानबूझकर राज परिवारों की छवि धूमिल करना चाहते हैं। ग्वालियर राजघराने के वारिस और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया। एक्स पर अपने पोस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा, नफरत बेचने वालों को भारतीय गौरव और इतिहास पर व्याख्यान देने का कोई अधिकार नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा कि भारत की समृद्ध विरासत के बारे में राहुल गांधी की अज्ञानता और उनकी औपनिवेशिक मानसिकता ने सभी हदें पार कर दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत की विरासत गांधी शीर्षक से शुरू या समाप्त नहीं होती। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही हमारे असली योद्धाओं की कहानियों का जश्न मनाया जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे भारत के इतिहास का सम्मान करें या उसके लिए बोलने का दिखावा ना करें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। इस बीच शिवसेना यूबीटी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, इसे वचननामा नाम दिया गया है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में मातोश्री में राज्य चुनाव के लिए वचननामा जारी किया गया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वचननामा के माध्यम से यह बताया गया है कि जनता की सेवा कैसे करेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और नागपुर दक्षिण पश्चिम से भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हर दिन संविधान का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने फडणवीस को घेरते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जिनके मन में संविधान के प्रति जरा भी सम्मान नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। झारखंड में इस बार दो चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। जनादेश हासिल करने के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आदिवासी हितैषी होने का महज दिखावा करने का आरोप लगाया। रांची में भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि घुसपैठियों की 23 नवंबर से राज्य में नो एंट्री होगी और उन्हें बाहर निकाला जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने भाजपा पर पलटवार किया है। चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि भाजपा यह नहीं चाहती कि आदिवासी झारखंड में सरकार चलाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेत्री कल्पना सोरेन ने चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि विषम परिस्थितियों के बावजूद राज्य की महागठबंधन सरकार ने आदिवासियों के मान सम्मान की दिशा में कई काम किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत के स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का दौरा किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिंद महासागर में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में भारतीय नौसेना की भूमिका की सराहना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में NIA द्वारा आयोजित आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। गृहमंत्री ने देश के आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा बनाए रखने के लिए बलिदान हुए वीरों को श्रद्धांजलि दी। सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के देश का प्रधानमंत्री बनने के 10 साल के भीतर
भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति अपनाई है। अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के उनके नारे को आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने आतंकवाद को रोकने में बड़ी सफलता हासिल की है। अमित शाह ने बताया कि देश में आतंकवादी घटनाओं में 70% तक की कमी आई है। चार दिनों तक चलने वाला महापर्व छठ के तीसरे दिन व्रतियों ने सूर्य को सायंकालीन अर्घ्य दिया। वहीं शुक्रवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद विधि विधान से इस चार दिवसीय पर्व का समापन हो जाएगा। गुरुवार को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और सिग्नस हेल्थ केयर के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के माध्यम से युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच समझौता हो रहा है। देश भर में करीब 35 लाख लोग इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। पेंशन भोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र कैंपेन 3.0 चलाया जा रहा है। यह कैंपेन पेंशन भोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के रूप में महत्वपूर्ण है। डीएलसी कैंपेन 3.0 भारत के 800 शहरों कस्बों में 1 से 30 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। इस कैंपेन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ईपीएफओ और स्वायत्त निकायों के सभी पेंशन भोगी पेंशन वितरण बैंकों या आईपीपीबी में अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर सकते हैं। सुपर सीनियर पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र सबमिट करने की सुविधा घर से ही उपलब्ध रहेगी। उन्हें सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी प्रदान की जाएगी। भारत के सर्विस सेक्टर ने अक्टूबर महीने में मजबूत वृद्धि दर्ज की है, जिससे व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आई है, नई नौकरियों के अवसर बढ़े हैं। S&P ग्लोबल द्वारा किए गए HSBC इंडिया सर्विसेज PMI सर्वेक्षण के मुताबिक यह वृद्धि सितंबर में दर्ज की गई और निचले स्तर से ऊपर कर यह 58.5 पर पहुंच गई है। HSBC इंडिया सर्विसेज PMI सर्वेक्षण के मुताबिक उत्पादन, उपभोक्ता मांग और रोजगार सृजन में मजबूत सुधार देखने को मिला है। खासकर घरेलू और वैश्विक स्तर पर ग्राहक की मांग में तेजी आई है, जिससे कंपनियों ने उत्पादन बढ़ाया है और अधिक कर्मचारियों को काम पर रखा गया है। सर्वेक्षण के मुताबिक अक्टूबर में 26 महीनों में सबसे तेज रोजगार वृद्धि दर्ज की गई। करीब 13% कंपनियों ने नई नौकरियों के सृजन की बात की है, जबकि सितंबर में यह आंकड़ा 9% था। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को देश में कई जगहों पर ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से जुड़े कई विक्रेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी गतिविधियों को लेकर छापेमारी की। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को कारोबारी दिन लाल निशान के साथ बंद हुआ। कारोबार के अंत में PSU बैंक को छोड़कर सभी सेक्टर में भारी बिकवाली रही। भारतीय बेंचमार्क सूचकांक 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स कारोबार के अंत में 836 अंक या 1.04% गिरकर 79,541.79 पर आ गया। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 284.70 अंक यानी 1.16% की गिरावट के बाद 24,199.35 पर बंद हुआ। एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला का घाटा वित्त वर्ष 2023-2024 में 346% बढ़कर 375 करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 22-23 में उसे 84 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। जेट एयरवेज की परिसंपत्तियों को बेचने के सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार को आए आदेश के बाद 1.48 लाख रिटेल निवेशकों के पैसे कंपनी के शेयर में फंस गए हैं। सितंबर 2024 की शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक रिटेल निवेशकों के पास कंपनी में करीब 20% हिस्सेदारी है। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या अक्टूबर में 6.3% बढ़कर 138.5 लाख हो गई, जो कि पिछले महीने 130.3 लाख थी। ये जानकारी गुरुवार को जारी हुई रिपोर्ट में दी गई। क्रेडिट रेटिंग ICRA के मुताबिक घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या अक्टूबर में सालाना आधार पर 9.6% बढ़ी है। ये अक्टूबर में 2019 के
प्री कोविड स्तर में 122.8 लाख से 12.8% ज्यादा है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने शिक्षा मंत्रालय के साथ प्रतिष्ठित एमओयू प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय ने 4 नवंबर 2020 को जेजीयू को एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान की थी। यमुना विकास प्राधिकरण की ओर से गुरुवार को एक और बड़ी कंपनी को जमीन अलॉट की गई। इसके अलॉटमेंट के बाद 644.6 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 2,275 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। हर 10 में से 3 से ज्यादा 35% भारतीय प्रॉपर्टी खरीदार लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी घरों में रुचि दिखा रहे हैं। ये पिछले तिमाही के आंकड़े से 18% से करीब 2 गुना है। ये जानकारी गुरुवार को जारी हुई रिपोर्ट में दी गई। त्योहारी सीजन में बड़ी छूट और उच्च ग्रामीण आय के कारण भारत के ऑटो सेक्टर में खुदरा बिक्री में तेजी दर्ज की गई। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कार, दोपहिया वाहन, वाणिज्यिक वाहन की कुल खुदरा बिक्री अक्टूबर में 32% से बढ़कर 28.33 लाख यूनिट हो गई, जो पिछले साल इसी महीने 21.44 यूनिट थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कनाडा ब्रैम्पटन में मंदिर में हुई हिंसक झड़पों को लेकर कनाडा सरकार के सामने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि कनाडा सरकार से कानून के मुताबिक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय राजनयिकों द्वारा कनाडा द्वारा सर्विलांस पर रखे जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध काफी प्रगाढ़ हैं और लोगों के हितों को देखते हुए द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद मेलानिया ट्रंप ने गुरुवार को देश के भविष्य को लेकर आशा व्यक्त की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, अमेरिकियों ने उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। मेलानिया ट्रंप ने एकता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि हमारे देश के नागरिक एक दूसरे के साथ प्रतिबद्धता के साथ फिर से जुड़ेंगे और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्थिक समृद्धि, सुरक्षा के लिए विचारधारा से ऊपर उठेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप से मिली हार के बाद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी है। वाशिंगटन डीसी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपने हजारों समर्थकों के बीच उन्होंने कहा कि मैं इस चुनाव को स्वीकार करती हूं, लेकिन मैं लोकतंत्र और समान न्याय के लिए कभी लड़ाई नहीं छोड़ूंगी। वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कमला हैरिस को प्रोत्साहन देते हुए कहा कि कमला निष्ठा, साहस और चरित्र से एक भरपूर एक सहयोगी और लोकसेवक के रूप में रही है। नेटो चीफ मार्क रुट ने यूक्रेन में उत्तर कोरिया की भूमिका और रूस की ओर से उत्तर कोरिया को टेक्नोलॉजी डिलीवर करने के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर इस तरह के जोखिमों पर चर्चा करने के इंतजार में हूं। जर्मनी का सत्तारूढ़ गठबंधन तब टूट गया जब चांसलर ओलाफ शोल्ड ने अपने वित्त मंत्री क्रिश्चियन लिंडनर को बर्खास्त कर दिया, जिससे यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में राजनीतिक अस्थिरता आ गई है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज की शुरुआत शुक्रवार से होगी। 4 मैचों की सीरीज का पहला मैच डरबन में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव भारत की कप्तानी करेंगे। इस साल के टी20 विश्व कप फाइनल के बाद यह पहला मौका है जब भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच प्रथम श्रेणी मैच में भारत ए ने पहली पारी में 161 रन बनाए। भारत ए की तरफ से सर्वाधिक 80 रन ध्रुव जुरेल ने बनाए। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज का पहला मुकाबला अफगानिस्तान ने 92 रन से अपने नाम कर लिया है। ये मुकाबला शारजाह में आयोजित किया गया। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज को वेस्टइंडीज ने 2-1 से अपने नाम कर लिया है। टीम ने तीसरे वनडे में इंग्लैंड को 8 विकेट से शिकस्त दी। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के किरण जॉर्ज ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। किरण जॉर्ज ने अंतिम 16 के मुकाबले में ताइवान के खिलाड़ी को शिकस्त दी है।
फ्रांस के किलियन एम्बापे ने इसराइल और इटली के खिलाफ होने वाले नेशंस लीग मैच में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। अब एम्बापे लगातार 4 मैच में फ्रांस की टीम में दिखाई नहीं देंगे। चैंपियंस लीग में बार्सिलोना ने शानदार जीत दर्ज की है। बार्सिलोना ने रेड स्टार बेलग्रेड को 5-2 से हराया। रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने बार्सिलोना के लिए 2 गोल किए। चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में एटलेटिको मैड्रिड ने पीएसजी की टीम को 2-1 से हरा दिया है। पीएसजी के कोच का कहना है कि उनकी टीम को खराब किस्मत के चलते एटलेटिको के सामने हार का सामना करना पड़ा। पीएसजी के अब चैंपियंस लीग में आगे बढ़ने की बहुत कम उम्मीद है। 20 नवंबर से गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इफी की शुरुआत हो रही है। इसमें एनएफडीसी फिल्म बाजार ने 6 असाधारण फिक्शन फिल्मों की घोषणा की है, जिसने इस साल आईएफएफई में वर्क इन प्रोग्रेस लैब के लिए आधिकारिक चयन की जगह बनाई है। एनएफडीसी द्वारा घोषित 6 असाधारण फिक्शन फिल्मों में से 5 युवा और उभरते फिल्म निर्माताओं की पहली फीचर फिल्म है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इस महीने अपने 55वें वर्ष में कदम रख रहा है। साथ ही युवा फिल्म निर्माताओं की नवीन कहानी और नए दृष्टिकोण को उजागर करके एक महत्वपूर्ण दिशा भी मिल रही है। बहुप्रतीक्षित फिल्म द साबरमती रिपोर्ट का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर लॉन्च के मौके पर प्रोड्यूसर एकता कपूर ने फिल्म के बारे में चर्चा की। यह फिल्म 15 नवंबर 2024 को रिलीज होगी। अक्षय कुमार, गोविंदा और परेश रावल की कॉमेडी फिल्म भागम भाग का सीक्वल भागम भाग अगेन इस वक्त चर्चा में है। जल्द ही फिल्म के सीक्वल की घोषणा की जाएगी। भागम भाग पार्ट 2 अगले साल के अंत तक या फिर 2026 में रिलीज हो सकती है। कमल हासन ने अपने जन्मदिन पर मणिरत्नम द्वारा निर्देशित अपनी अपकमिंग फिल्म ठग लाइव की रिलीज डेट की घोषणा की। ये फिल्म अगले साल 5 जून को रिलीज होगी। आगामी फिल्म से पहला अपना लुक शेयर करते हुए अभिनेता ने सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर भी साझा किया। वार्नर म्यूजिक इंडिया के एंटीसिपेटेड फॉक म्यूजिक प्रोजेक्ट मार्टी सीजन 1 ने अपने 4th ट्रैक जुगनी की रिलीज के साथ एक और रोमांचक कदम बढ़ाया है। इस गाने को ददलानी ने आवाज दी है। ये रॉक और भांगड़ा का मिश्रण है। स्ट्रीमिंग बायोपिक अमर सिंह चमकीला में नजर आने वाले बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। उन्होंने करीब 1 मिनट का पहला वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन दिया, मेरा पहला यूट्यूब वीडियो। अभिनेत्री भूमि पेडनेकर हाल ही में गोवा में छुट्टियों का आनंद लेती नजर आई। अभिनेत्री ने अपनी कुछ शानदार तस्वीरें फैंस के लिए सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। वरुण धवन और जाह्नवी कपूर अभिनीत फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की शूटिंग कर रहे अभिनेता अक्षय ओबेरॉय ने सेट से माहौल पर बात करते हुए फन जॉइंट फैमिली एक्सपीरियंस बताया। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।